आज की कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार की पेट्रोलियम सचिव आदरणीय तरुण कपूर जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन आदरणीय श्रीकांत वैद्य जी, अन्य सारे कंपनियों की अधिकारी मित्रगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न स्टेक होल्डर मित्रगण, सीजीडी प्लेयर्स, उसकी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, नए उद्यमी और विशेष करके आज जिन संगठनों के साथ हमारी सरकार के साथ एमओयू हुई, जेबीएम ग्रुप जिन्होंने 500 प्लांट लगाने के लिए आज एमओयू किया, आदरणीय गैस 100 प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया, टोरेंट गैस 200 प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड 100 प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया तथा ये सारे प्लांट्स में जो टेक्नोलॉजी लगेंगे, हमारी आयोशियल की आरएनडी अपने आप में एक अच्छा टेक्नोलॉजी भी लाया है, उनके साथ समझौता हुआ, सीईआईडी एक उन्होंने भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी लाया है, प्राज इंडस्ट्री हम सभी के गौरव की एक प्रसंग है, हमारी एक इंडियन कंपनी जिनकी बायो एनर्जी की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड में एथेनॉल हो या सीवीज हो एक लीडिंग कंपनी है, भारत बायोगैस एनर्जी वो भी एक हमारे लिए खुशी की विषय, ये चारों कंपनी भारत की वैज्ञानियों के द्वारा इनोवेट किया गया टेक्नोलॉजी है, ऐसे चारों कंपनियों के साथ आज भी एमओयू हुई। और इस कार्यक्रम पे जुड़े तमाम अन्य अतिथिगण और पत्रकार साथीगण, कल हम लोगों ने देश की एनर्जी सेक्टर में क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी एलएनजी के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, निर्णय नहीं किया, हम लोगों ने काम भी उसकी शुरू कर दिया है। वैसे ही आज एक नया चैप्टर, जैसे आज हम लोगों ने इस छोटी सी वीडियो के अंदर देखे, जब हम लोग 2014 में कामकाज संभाले तब देश की प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के सामने एक विषय लाया, वेस्ट टू एनर्जी। मित्रों, मैं आज बड़े नम्रता के साथ खुले दिल में इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूं, तब हमको ये बात समझ में नहीं आई थी कि तब तक ऐसा नहीं कि वेस्ट टू एनर्जी में कोई नया पुराना प्रयोग नहीं है, ब्रिकेट बना के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बगास को पावर कन्वर्ट करने में जला के कई सारे इनिशिएटिव पहले भी था, लेकिन उसके अपने आप में कोई एक मॉडल नहीं बन पा रहा था, एक आइसोलेटेड मॉडल में काम होती थी, छोटे मोटे इनिशिएटिव होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक नया मौका हम सभी को दिया। उनके अंदर जो कार्बन एलिमेंट है, सारे बायोमास के अंदर कार्बन कंपोनेंट है, उस कार्बन कंपोनेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिथेन करना और उसको प्यूरिफाई करके नेचुरल गैस के लेवल पे ले आना, ये आज हमारी भारत की टेक्नोलॉजी ने भी इसकी सिद्ध कर लिया है। अभी एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों ने पिछले आज 2020 नवंबर में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ठीक 2 साल पहले सतत कार्यक्रम का एक क्लियर कट रोड मैप हम लोगों ने बनाई थी। इस सरकार सिर्फ योजनाएं घोषणा नहीं करती, नीति नहीं बनाती, उसको क्रियान्वयन भी करता है और क्रियान्वयन को लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो एक निजी इनिशिएटिव है, और प्रधानमंत्री जी ने हमारी सबके मन में ये भरा था इसको गैस में कन्वर्ट करो, भारत को गैस आधारित अर्थनीति बनाना है, सिर्फ फॉसिल फ्यूल से निकलने वाले गैस नहीं है,
उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक्सपेरिमेंट करके एक अपना आत्मविश्वास बनाया है। दुनिया की एनर्जी बास्केट में गैस जब 23-24% है, गुजरात के एनर्जी बास्केट में वो 26% है। ग्लोबल मॉडल भारत में ही बन चुका था और उसमें गोबर से, खेतों की अन्य वेस्ट मटेरियल से, अर्बन वेस्ट मटेरियल से भी गैस बन सकता है। ये उसकी उदाहरण भी हम लोग देख चुके हैं। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने इस मूवी में देखा। मित्रों, आज इसीलिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उस दिशा में भारत की उद्योग जगत भी उसमें से रुचि लिया है। बड़े बड़े कंपनियां उसमें, विशेष करके जो सीजीडी कंपनी और एनर्जी जेबीएम जैसे सोलर एनर्जी में अपने आप में एक बड़े पहल करने वाले ग्रुप हैं, उन्होंने आज ऐसे ही अपने ग्रीन एनर्जी की इनिशिएटिव्स में छलांग लगाई है। कुल मिला के आज 900 प्लांट्स की 100 से लेके 300, 400, 500 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल को, जिसकी यील्ड लगभग 10% एवरेज कहें, कहीं कोई कम बने मटेरियल से शायद थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, कोई कोई मटेरियल से थोड़ा कम भी हो, लेकिन एवरेज 10% यील्ड, ऐसे एक मोटी कैलकुलेशन के अंदर ऐसे 900 प्लांट की आज एमओयू हुई। उसकी पहले लगभग 600 प्लांट की लेटर ऑफ इंटेंट ऑफटेक गारंटी की मार्केटिंग कंपनियों ने दे चुके हैं। ऐसे 1500 प्लांट्स अभी लगने की विभिन्न स्टेज पे आ चुका है। उससे तेजी क्रियान्वयन हो, उसके कारण देश में जो अभी तक कचरा होता था, वेस्ट मटेरियल करके हम जिसको प्रदूषणकारी मटेरियल करके, ये कहने को किसी को दिल्ली में और नवंबर महीने में याद दिलाने के लिए आवश्यकता नहीं है, हम कई सालों से दिखते आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के अंदर परेली जलती है, बेचारा किसान क्या करेगा, उसको काट के उसको कहीं भेजने के लिए उसको मार्केट नहीं था, काटने में ही उसकी खर्चा बढ़ जाती थी, हम लोग विवश होकर उसको दिखते थे। लेकिन आज जो पहल 2 साल पहले शुरू की गई पहल जो आज एक नया रूप ले रहा है, और विशेष करके मैं हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार तीनों को बधाई देता हूं, उन तीनों सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इस मुहिम को उद्योग के साथ आगे बढ़ाने के लिए मन भी बना चुका है। और आज की 900 प्लांट्स की अगर मैं एक एवरेज प्राइस निकालूं, लगभग 30,000 करोड़ रुपया की डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट इस 900 प्लांट में होगा। 600 प्लांट बनना शुरू हो गया है, उसके अलावा और 3,500 प्लांट यानी मोट 5,000 प्लांट, 2,00,000 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के साथ ये आने वाले 2-3 साल में देश की विभिन्न जिलाओं में ये बनना शुरू हो जाएगी। और ये तो एक ग्लोबल मॉडल बनने वाला ही है, रॉ मेटेरियल यहीं के हैं, टेक्नोलॉजी यहीं का है। इसकी पहला फायदा भारत की किसानों को होगा, भारत की ग्रामीण इलाका को होगा, भारत की जंगल में रहने वाले आदिवासियों को होगा, फॉरेस्ट वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री वेस्ट, मराइन वेस्ट, घरों की कचरा, विशेष करके शहरी इलाका में इसकी कचरा को यूज करते हुए हम मिथेन और मिथेन से आगे चल के उसको प्यूरिफाई करते हुए नेचुरल गैस स्टैंडर्ड पे ले आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, COP21 में जो वादा किया था, उस दिशा में यह भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं देश की रोजगार बढ़ाने में,
देश की अर्थनीति को गति देने में, देश में, और मैं इस विषय में दो संस्थाओं को और धन्यवाद देना चाहूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की टोटल पैकेज में इस सेक्टर को सीबीजी कंप्रेस बायोगैस को लोन देने में प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किया है। और स्टेट बैंक जैसे बैंक, केवल स्टेट बैंक नहीं, भारत की और सारे पीएसयू और विभाग तो यहां तक भी योजना बना रही है, इसके लिए एक अलग से एनबीएफसी की कल्पना भी की जा रही है जो विश्व स्तर की लो कॉस्ट लोन एक्सेसिबिलिटी उसके माध्यम से हो पाएगा। इसलिए सरकार आपके साथ है, पॉलिसी की सारे सुविधा आपको उपलब्ध किया जा रहा है, लोन उपलब्ध किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की हैंड होल्डिंग किया जा रहा है। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की बायोटेक्नोलॉजी विभाग, उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा टेक्नोलॉजी बनाई है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपको कोई बंधन नहीं रखा गया है, आप उसको उत्पादन करो, आप सीजीडी में चाहो दे सकते हो, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दे सकते हो जिसके हमने ऑप्टेक गारंटी दिया, आप उसको अपने में बिक्री कर सकते हो। अगर आपको हमारी ऑप्टेक गारंटी से अगर ज्यादा पैसा कहीं मिलता है आप उसको भी बिक्री कर सकते हो, हमारी कोई बंधन आपके ऊपर नहीं है। इसलिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था आपके साथ इसमें जुड़ा गया है। और पीएम की जो स्वच्छ भारत की कल्पना है, भारत की किसानों की आमदनी को दूनी करने की कल्पना है, भारत की पर्यावरण को वैश्विक स्तर से बेहतर बनाने की कल्पना है, भारत की नौजवानों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता है, महिलाओं को स्वच्छ ईंधन पहुंचाने की प्रतिबद्धता है, ये सारे उद्देश्य इस योजना के साथ जुड़ी हुई है। मैं भारत की सरकार की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए, और हम उसको नियंत्रित आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे हमारी सेक्रेटरी कपूर जी ने कहा, आपको क्या मदद चाहिए, राज्यों सरकारों से क्या मदद चाहिए, राज्य सरकार उसमें बढ़ चढ़ के भी अपना भूमिका निभा रहे हैं, सारे राज्य सरकार इसमें कोऑपरेट करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम सब मिलके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और हमारी कुल मिला के कल्पना है बायोफ्यूल से एथेनॉल, बायोडीजल, 2G एथेनॉल, बायो सीएनजी, कंप्रेस सीएनजी, बायोगैस, सीबीजी, ये सारे में अगर जिस तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं, 1,00,000 करोड़ रुपया की मूल्य की इंपोर्ट कमोडिटी हम घटा सकते हैं, क्रूड ऑयल हो या अन्य कोई एनर्जी कमोडिटी हो, उसकी बदले अगर हमारी देश की उपलब्ध बायोमास आधारित कार्बन को हम लोग कैप्चर कर पाए, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, ये तो एक, और वो 1,00,000 रुपया हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है, तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर उसकी इम्पैक्ट थोड़ा सोचिए। इसलिए आज एक अच्छा दिन है, हम उस दिशा में सब लोग मिलके काम करें। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, आप लोग जितने जल्दी इस प्लांट्स को सब बनाना शुरू कर दोगे, ईपीसी कंपनियों को काम आएगा, उसकी ट्रिकल डाउन इंपैक्ट आएगा, और जल्द ही हम फिर के माननीय प्रधानमंत्री जी को न्योता देंगे कि सारे प्रयास उत्पादनकारी कंपनियों को सामूहिक रूप में लोकार्पण करने के लिए। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद।